मनोज क्या कर रहे हो? अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे मेरा काम शांति से करने दो। एक नया प्रोजेक्ट मिला है मुझे, मुझे आज ही फिनिश करके देना है। ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ क्या? अरे यार बंद करो ये अपना फिल्मी डायलॉग। देखो मुझे काम अपना करने दो, जाके सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। गो। फिल्मी डायलॉग, मेरी तो पूरी ये जिंदगी फिल्म बन चुकी है, वो भी इतनी सैड। क्या प्रॉब्लम है इसको? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रंजेश सिंह क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। पति पत्नी का रिश्ता कांच की तरह होता है, जो एकदम साफ और पवित्र होना चाहिए। अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो वो फिर वापस कभी नहीं जोड़ सकता है। इतना टाइम क्यों लगा दिया गेट खुलने में? वही फिल्म में ड्रामेबाजी चल रही होगी, तभी तो इतना टाइम लगाया गेट खुलने में। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं रोमांटिक मूवीज देखती हूँ, उसमें एक लड़का और लड़की कुछ करते हैं, वो भी शादी से पहले, तो वो गलत है, लेकिन हम दोनों तो ऑफिशियल कपल है ना? बस बहुत हुआ, मुझे चेंज करने दो। मुझे बस सोना है। सब कुछ मैं ही समझ के लूं। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। बताओ जरा मुझे कहां घुमाने लेके गए? पूरे दिन इस लैपटॉप के आगे बैठे रहते हो, घर में नहीं तो ऑफिस में बैठे रहते हो। आज तक क्या किया है मेरे लिए बताओ मुझे? समझाया उसे जाता है जो समझने की कोशिश करे। कहानी में भी आम शादी की तरह सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। मनोज और स्वीटी की 2 साल पहले अरेंज मैरिज हुई थी। मनोज का नेचर रिजर्व था, जबकि स्वीटी बोल्ड और खुले दिमाग की थी। जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। वेल मैं हूँ अभिनव, अभिनव श्रीवास्तव, जो कि आपकी वाइफ स्वीटी का किसी जमाने में बेस्टी हुआ करता था। कौन है मनोज? शायद तुम्हारा कोई दोस्त आया है। अरे उसे अंदर बुलाओ ना। कम ऑन अभिनव। ओह माय गॉड, आई एम सो सरप्राइज्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और तुम बिल्कुल नहीं बदले, जैसे थे कॉलेज में वैसे ही हो आज भी। मरी बॉडी शॉडी डोले शोले। बदल दे तो मौसम है, हम तो खैर इंसान हैं। तुम और तुम्हारी शायरिया। कैन आई लीव? काम करो, तुम लोग आपस में बातें करो। बाय टेक केयर। बाय टेक केयर। और बताओ कैसे हो? हमें क्या मालूम था इश्क होता है क्या, से तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई। अभिनव तुम्हारी ये शायरी बोलने की आदत अभी तक गई नहीं। एनीवेज इतने दिनों बाद सडनली कैसे याद आ गई मेरी? बस मुंबई आया था कुछ बिजनेस के काम से, तो सोचा तुमसे मिल लूं। ग्रेट। अच्छा क्या अब ये बताओ क्या लोगे, चाय नाश्ता? बस एक ही ख्वाब देखा था मैंने कि तेरी साड़ी में उलझी हुई मेरे घर की चाबी। पता है ना हमारी शादी क्यों नहीं हुई और कैसे? अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अरे अभी तो आए हो इतनी जल्दी? एक्चुअली स्वीटी बहुत जरूरी काम है मुझे। ठीक है चलो बाय, टेक केयर एंड मैं वेट करूंगी, तुम दोबारा आना। दोस्तों अभी तक हमें अभिनव एक सीधा साधा लड़का लग रहा है, जो स्वीटी का कॉलेज फ्रेंड है और अच्छी खासी शायरी भी कर लेता है। उसकी बातों से सिर्फ इतना पता चलता है कि स्वीटी के लिए उसके मन में कुछ ना कुछ फीलिंग्स अभी भी बाकी है।
बिल्कुल नहीं बदले, जैसे थे कॉलेज में वैसे ही हो आज भी। बदलते तो मौसम है, हम तो खैर इंसान हैं। तुम और तुम्हारी शायरियाँ। और कैसा लगा अपनी बेस्टी से मिलकर? बहुत बहुत अच्छा, लेकिन वो ज़्यादा देर रुका ही नहीं, उसको जाना था। मैं चाहती थी वो कुछ देर बैठे, हम कॉलेज की पुरानी यादें ताज़ा करें, पर वो चला गया। अरे तो इसमें सोचना क्या, एक काम करो कल उसको डिनर पे बुला लो, हम लोग साथ में बैठकर डिनर भी करेंगे और तुम्हारे कॉलेज की बातें भी हो जाएंगी, है ना? वाओ, व्हाट एन आइडिया, थैंक यू। ठीक है तो मैं उसको ना कल डिनर पे बुला लेती हूँ। एकदम सही, और मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लूँगा। ठीक है, क्या बनाओ मैं कल? अरे कुछ भी बनाओ, तुम्हारे यहाँ से तो सब कुछ अच्छा ही है। हेलो। हेलो, बोलो परी। मुझे ना समझ नहीं आता तुम मुझे ये परी परी क्यों बुलाते हो, स्वीटी क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि परी एक सपने की तरह होती है, बहुत खूबसूरत, लेकिन जिसे हम पाने की सिर्फ तमन्ना कर सकते हैं, पा नहीं सकते। ऐसी ही आरजू हो तुम लोगों की, इसलिए परी। तुम और तुम्हारी शायरियाँ मेरे तो सर के ऊपर से जाती हैं। एनीवेज, आज रात को डिनर पर आ जाना, ठीक है? ओके, तुमने पुकारा और हम चले आए। हो गया तुम्हारा? I'll see you tonight at dinner, okay? Bye. Okay, see you. पागल है पूरा। वाह, लगता है स्वीटी तुमने काफी दिल से बनाया है खाना। Thank you. हाँ, और कॉलेज में भी जब हम पिकनिक पे जाते थे तो परी ही सबके लिए खाना बनाती थी, वो भी बहुत लाजवाब। परी? कौन परी? अरे कुछ नहीं, ये ना अभी पागल है। तुमने खाना क्या हो, उसकी बातों पे ध्यान रखो। अरे तुमने ये वाली सब्जी टेस्ट करी? वाकई काफी अच्छा है। अरे खाओ ना, तुम कैसे शांति से बैठे हो? खा तो मैं, पता है ना मुझे पनीर कितना पसंद है कॉलेज के टाइम से, और इसीलिए मैंने आज नहीं बनाया क्योंकि मुझे पूरे घर का पनीर नहीं साफ करवाना था। अच्छा कॉलेज में वो बंदा याद है जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था हमेशा? आई नो, और तुमने उसकी हड्डियां तोड़ दी थी। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा आज, काफी टाइम बाद मैं तुमसे मिला हूँ। आई नो। अच्छा एक बात कहूँ, शायद तुम्हारे पापा मुझे पसंद नहीं करते थे, लाइक उन्हें कोई एमएनसी कंपनी में जॉब करने वाला लड़का चाहिए था, ना कि मेरे तरह कोई स्ट्रगलिंग लड़का। अब छोड़ो उन बातों को, उनसे क्या होगा, इतनी कट गई है लाइफ तो आगे भी कट जाएगी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या इस शादी से? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मनोज पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हारा रिलेशन तो अच्छा है ना, आई मीन बेडरूम लाइफ एवरीथिंग। क्या बोलूँ, लीव इट। समझ गया। तुम्हारी चाहतों का क्या होता है, आई मीन कैसे पूरी होती है?
अरे इन बातों को छोड़ो, तुम कहाँ इन बातों में लग गए। और तुम ना ये जूस पियो। पी तो रहा हूँ, बहुत टेस्टी बनाया तुमने। आई नो। बस एक ही ख्वाब देखा था कि तुम्हारी साड़ी में मेरी उलझी हुई घर की चाबियां। ये ख्वाब तो पूरा हो ना सका। अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हारा रिलेशन तो अच्छा है ना, आई मीन बेडरूम लाइफ एवरीथिंग। प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? मुझे मेरा काम शांति से करने दो। एक नया प्रोजेक्ट मिला है मुझे, मुझे आज ही फिनिश करके देना है। मुझे ना समझ नहीं आता तुम मुझे ये परी परी क्यों बुलाते हो, स्वीटी क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि परी एक सपने की तरह होती है, बहुत खूबसूरत, लेकिन जिसे हम पाने की सिर्फ तमन्ना कर सकते हैं, पा नहीं सकते। एक तरफा फीलिंग्स किसी भी रिश्ते को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकती है, जब तक कि लड़का लड़की दोनों अपने दायरे में रहे। क्या होगा अगर ये दायरा टूट जाता है? तो तुम उसे आज भी उतना ही प्यार करते हो जितना कॉलेज में करते थे? यकीनन। क्या तुम्हें कोई शक है? मुझे यकीन कैसे आए? तुम कहो तो अपना दिल चीर के दिखा दो। तुम ना ड्रामेबाज थे और ड्रामेबाज ही रहोगे। जानू मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें प्यार नजर नहीं आता? मैं सच कह रहा हूँ, आई रियली लव यू। ओह माय गॉड, अभी तुम तो पूरे भीग गए हो। अंदर आओ, ठंड लग जाएगी तुम्हें। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए क्लोथ्स और टॉवल लेके आती हूँ। हाँ प्लीज। ये लो, गो एंड चेंज फास्ट, वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। थैंक यू सो मच यार, तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, जैसे कॉलेज में मेरा ख्याल रखती थी वैसे अभी भी रखती हो। अच्छा बातें कम करो और गो फास्ट। हाँ बाबा।
हाय, कैसा लग रहा हूँ मैं? ओह गॉड, यू बिहेव लाइक अ चाइल्ड। तुमने अपने बाल तो पोंछे ही नहीं। मुझे ना सच में तरस आता उस लड़की पे जिससे तुम्हारी शादी होगी। उसकी जरूरत नहीं, एज मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा। क्यों? इसका जवाब तुम्हें खुद को पता है। लेकिन ये तो गलत होगा ना, मुझसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। किसने कहा मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ? तुम्हारे जाने के बाद मेरी लाइफ में और भी तो लड़कियाँ आई ना। सच में? क्यों, जेलस? पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों जेलस होंगी? I love you. Really. शायद तुम्हें याद इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया था मैं। तुम्हारे बिना एक एक पल मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, अब इससे मैं क्या समझूं? जो समझना वही समझो, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। शायद मैं भी। We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording. पता नहीं अभिनव को क्या हो गया है, ना आता है ना ही फोन उठाता है। It's been 15 days. पता नहीं कैसा है, चल क्या रहा है। चाय बन रहा है? हाँ कुछ नहीं। मैं देख रहा हूँ पिछले 15 दिनों से तुमने मुझसे ठीक से बातें भी नहीं की और तुम मुझसे नाराज भी नहीं हो, और तो और तुमने 2-4 दिनों में कुछ बर्तन भी नहीं तोड़े। कुछ तो बात है स्वीटी, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। और आप ही तो चाहते थे ना कि मैं आपसे लड़ाई ना करूँ, तो बस नहीं की। लेकिन पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक ना हो तो फिर क्या मजा। वेल, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो बाद में बता देना। ये काम कर, तो मैं बाहर रहता हूँ, तुम चाय नाश्ते के बाहर आ जाओ। ठीक ठीक है। अच्छी बनी है। थैंक यू। हेलो हेलो आरती, मुझे खबर मिली है कि अभिनव को किसी ने खून कर दिया है। ही इज डेड नाउ। Thank you.
क्या हुआ स्वीटी? किसका फोन था? किसका फोन था बताओ? एक फ्रेंड का फोन आया था। अभी ना मिस नो मोर, उसका मर्डर हो गया है। मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने आपको धोखा दिया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूं। I know, sweetie. मुझे सब पता है। कैसे? क्यों? क्या पता है? यही कि तुम और अभिनव दोनों एक साथ, और तुम दोनों ने सारी हदें तोड़ दी। स्वीटी, अभिनव ने तुम्हें धोखा दिया था। उसने तुम्हारे साथ नाजायज संबंध का वीडियो बना लिया था, और मुझे पिछले 15 दिनों से ब्लैकमेल करके तुम्हारे वीडियोस वायरल कर देने के लिए कह रहा था, और मुझसे पैसे हट रहा था। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हो? मैं कौन बोल रहा हूँ वो सब छोड़, व्हाट्सएप पे तुझे एक वीडियो भेजा है, वो देख, तुझे मजा आ जाएगा। चाहते क्या हो? देख के मजा आया ना? चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन तू पहले सिल्वर शाइन के सेकंड फ्लोर पे आके मुझे मिल। और हाँ, देर मत करना। मैं अभी आता हूँ, रुक। और कल जब मैंने उसे पैसे देने से मना किया, तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। और इसी कोशिश में उससे अभी नब का खून हो गया। आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए। सब मेरी गलती है ना, मैं आपको धोखा देती और नहीं ये सब होता। आप परेशान मत हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है। हम दोनों फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं आपको अब कभी धोखा नहीं दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं स्वीटी, अब बहुत देर हो गई है, तो हमारा साथ रहना बस एक सपना है। क्यों क्यों आपने मुझे माफ नहीं किया? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। स्वीटी, मैंने तुम्हें तो माफ कर दिया, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। स्वीटी, मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाया ना, पर आज मैंने एक अच्छा काम किया है, मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। क्यों? अभी थोड़ी देर में पुलिस आती होगी। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। हम कहीं भाग जाते हैं, बहुत दूर भाग जाते हैं हम। नहीं सूटी, भाग के जाएंगे कहाँ? अभी थोड़ी देर में पुलिस आती होगी। बस हमारा साथ इतनी देर का था, अब जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। तब मुझे मेरी स्वीटी मिल जाएगी।
मिस्टर मनोज आप ही हो? जी हाँ। आपने कॉल किया था? तो आप ये मानते हो कि आपने खून किया है, कबूल रहे हो? जी हाँ। चलिए ठीक है, फिर आपको हमारे साथ चलना होगा, बाकी ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन में होगी। शायद जब मैं जेल से सजा काट के बाहर आऊँगा तो मुझे अपना खोया हुआ प्यार मिल जाएगा। आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू स्वीटी। दोस्तों, आज स्वीटी और मनोज के बीच अभिनव आया था, वो भी स्वीटी के मर्जी से। अगर स्वीटी नहीं चाहती तो अभिनव यूं ही उसकी हस्ती खेलती जिंदगी को बर्बाद नहीं करता। जी हां, हम अगर किसी तीसरे को अपनी जिंदगी में आने देंगे तो वो आएगा, वरना दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो पति पत्नी के रिश्तों को तोड़ सके। कहते हैं ना, प्यार और ईमानदारी दोनों शादीशुदा जीवन की एक नींव है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं फिर वापस आऊंगा एक सच्ची घटना के साथ जो आपको सतर्क और सावधान रहने में मदद करेगा। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले। जय हिंद।